नमस्कार, विवाद विनोद में मैं सिंह विनोद आज फिर आपके सामने रूबरू हूँ एक ताज़ा तरीन विषय पर चर्चा के लिए। जैसे एक आशंका थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर हिंदू संगठनों के बीच बवाल मच गया है। यही नहीं, अनेक हिंदू संगठनों ने मोहन भागवत की बातों का खंडन किया है, उसका विरोध किया है और इस कड़ी में भी यह कहने से भी नहीं चुके कि मोहन भागवत अपने शब्दों को वापस ले और देश से माफी मांगे। संभवतः यह पहली बार हुआ है हाल के दिनों में जब आरएसएस प्रमुख को हिंदू संगठनों द्वारा माफी मांगने, देश माफी मांगने की बात कही जा रही है और शब्द वापस लेने की बात कर। ध्यान रहे, मोहन भागवत ने कहा था कि राम जन्मभूमि अयोध्या का मुद्दा अलग था जिस पर आंदोलन चला, लेकिन अब काशी मथुरा आदि के लिए कोई आंदोलन नहीं होगा। और उन्होंने हिंदू संगठनों से यह अपील की थी कि हर मस्जिद में शिवलिंग न ढूंढे, यह महत्वपूर्ण बात थी। हमने ऐसी आशंका जताई थी कि इसका विरोध होगा और हुआ, शुरू भी हो गया। और तो और, अब इस बात को लेकर के आरएसएस का घोर आलोचक, हर बात में विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी भी सामने आ गई है। उसने बल्कि मोहन भागवत का समर्थन किया है। कांग्रेस ने कहा है कि देश की एकता और अखंडता पहले है, ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे मोहन भागवत के शब्दों का पालन करें और इस तरह के किसी विवाद से स्वयं को अलग रखें, देश का माहौल खराब न होने दे। ये राजनीतिक अवसर वादिता है, हर कोई करेगा। लेकिन हाल के दिनों में जब एक पुराना, दशकों पुराना गठबंधन जो भाजपा शिवसेना का था, भाजपा अलग हो गई, शिवसेना ने भी यहाँ मोहन भागवत की बातों का समर्थन कर दिया। उसने हालांकि और आगे बढ़ते हुए कर दिए, कश्मीर का मुद्दा उठाया है, कहा कि अभी केंद्र सरकार को चाहिए कि उन सभी उपायों को ढूंढे जिसमें कश्मीरियों की जान बच सके। उनका आशय कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं से था। शिवसेना का कहना है कि 1990 के पूर्व की स्थिति में कश्मीर पहुंच रहा है, जब बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, लाज मजबूर हुए थे वे, और आज फिर कश्मीरी पंडित स्वतः स्वयं कह रहे हैं कि हमें वहाँ से हटाओ, कश्मीर से हटाओ, जम्मू में बैठाओ या कहीं और में बैठाओ, हम वहाँ नहीं रहेंगे, हम पलायन कर जाएंगे। और पलायन शुरू भी हो चुका है। यह जो नई स्थिति पैदा हुई है कश्मीर को लेकर के, इससे राजनीतिक वातावरण भी काफी गर्म उठा है। यह दोहराना ही होगा कि कश्मीर को मुद्दा बनाकर केंद्र में वर्तमान सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। हालांकि वो बाद में उनके आरोप प्रति उत्पादक साबित हुए, जब यह चिन्हित किया गया 1990 में जब पलायन हुआ था, तब केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की प्रधानमंत्रित्व वाली सरकार थी जिसे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त था। और तो और, कश्मीर में गवर्नर वे जगमोहन थे जो भारतीय जनता पार्टी के माने जाते हैं। कुछ आज स्थिति फिर जब वैसी हो रही है कश्मीर को लेकर के, जब वहां से पलायन की बात हो रही है केंद्र में और प्रदेश में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब कश्मीर का शासन भी उसका अंतर्गत है और केंद्र में तो है ही है पिछले 8 वर्षों से, ऐसे
भारतीय जनता पार्टी के सामने एक अत्यंत ही असहज स्थिति पैदा हो गई है कश्मीर मुद्दे को लेकर के। अब ये सवाल चुकी उठा है बार बार कश्मीर का, तो बहस इस बात की हो रही कि आखिर इसका समाधान क्या है। आजादी के बाद से आज तक कश्मीर 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 विवाद चला रहा है। केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद भाजपा ने कुछ कदम उठाए और दावा किया कि इसके बाद वहां स्थिति सामान्य होगी। एक नोटबंदी, दूसरा संविधान की धारा 370 की समाप्ति, उसे निरस्त किया गया। मैं दोहरा दूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने न केवल संसद के बाहर बल्कि संसद के अंदर भी इसके बाद यह दावा किया था कि इन दोनों कदमों के बाद कश्मीर में स्थिति सामान्य होती जा रही है। आतंकवादी दुम दबाकर भाग गए हैं, मांद में घुस गए हैं, लोगों में सुरक्षा की भावना आई है और वहां सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। लेकिन हकीकत में आज का वर्तमान कश्मीर एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। कश्मीरी जिसका दावा सरकार करेगा अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वो घोर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सामने आकर के कश्मीरी पंडित मांग कर रहे हैं कि हमें यहां से हटाओ, हमें सुरक्षा प्रदान करो, या कश्मीर से हटा करके हमें जम्मू या ने कहीं के हमें शिफ्ट करो, हम यहां नहीं रह सकते, हम यहां सुरक्षित हैं। हकीकत यह है, इसीलिए बार बार उठा कि आखिर कश्मीर का क्या होगा जी, इतनी पुराना बात। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन राजनीतिक कारणों से और बंटवारे के समय हुई कुछ चूक के कारण वहां पाकिस्तान की नजर पड़ी रहती है और वो कश्मीर पर दबाव करता है। कश्मीर के एक बड़े भाग पर तब पाकिस्तान ने सेना की बदौलत कब्जा भी कर लिया था और आज भी पीओके के रूप में कुख्यात अर्थात पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आज पाकिस्तान के पास है। मैं बता दूं कि वर्तमान कश्मीर जिस जो हमारे पास है, भारत के पास है, उससे कहीं बड़े भूभाग पर पाकिस्तान का कब्जा है, यह हकीकत है। तो आखिर इसका समाधान क्या है, क्योंकि अब यह मुद्दा दो राष्ट्रों का बीच के नहीं रह गया, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, संयुक्त राष्ट्र में भी मामला गया। अब ऐसा और संयुक्त राष्ट्र का एक सुरक्षा परिषद का फैसला था, प्लेबिसाइट का, आत्मनिर्णय के अधिकार का। सुरक्षा परिषद ने कहा था कि कश्मीरियों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाए, और जिस चूक की मैंने बात की, यह तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की चूक थी, जब उन्होंने कश्मीरियों के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार दिए जाने की घोषणा ऑल इंडिया रेडियो पर की थी। यह एक राजनीतिक बल्कि कूटनीतिक चूक भी थी। आज पाकिस्तान उन्हीं बातों को पकड़ करके बार बार कश्मीरियों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करता है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस मुद्दे को बार बार उठाता रहा है और हमला चाह है कुछ का तो बना ही रहेगा, बाद में शायद हमारे लिए भारी पड़ेगा। यहां एक उदाहरण में लेना चाहूंगा, स्मरण दिलाना चाहूंगा, कुछ दिनों के लिए ही चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने थे, कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, कुछ संख्या बल में बहुत कम थे वे, लेकिन उनको बनाया गया, कांग्रेस का समर्थन दे दिया तो प्रधानमंत्री बने। उस समय ऐसा एक अवसर आया था जब चंद्रशेखर ने एक योजना बनाई, सेना के अधिकारियों को विश्वास में लिया, ये बहाना बनाकर राजीव गांधी ने कांग्रेस ने चंद्रशेखर से समर्थन वापस ले लिया था, सरकार गिर गई। वह जो योजना थी कश्मीर को लिबरेट करने की, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को मुक्त कराने की, वो योजना धरी की धरी रह गई। मैं इस बात को याद इसलिए दिला रहा हूं, कुछ ऐसे ही मजबूत
या आप कठोर कह सकते हैं कठोर कदम भारत सरकार को उठाने पड़ेंगे ताकि कश्मीर समस्या का अस्थाई समाधान निकल सके। अन्यथा आज हम यहां बैठे इस पर चर्चा करें, देश चर्चा कर रहा है, फिर देश के विकास की बातें, शिक्षा की बातें, चिकित्सा की बातें, स्वास्थ्य की बातें, खेती किसानी की बातें, रोजगार की बातें, ये सब हाशिए पर चली गई एक मुद्दे के कारण। ये इसे अस्थाई रूप से खत्म करना पड़ेगा। भारत सरकार को एक अभी अवसर मिला है कि वह एक कठोर कदम कश्मीर को लेकर उठाए, इसका अस्थाई समाधान निकाल ले, नहीं तो यह कश्मीर का दर्द भारत के विकास के मार्ग में हमेशा रोड़े अटकाता है।